अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ सबवे स्टाइल सैलड। ये बहुत ही हेल्दी और मज़े की रेसिपी है। आप इसको डेली रूटीन में शामिल करें। ये बहुत इजी और आसानी से घर में बन जाता है। सबसे पहले मैं बॉल में सब्जियों को मिक्स करूँगी। ये मैंने लेटस लिया है 1 कप। इसको मैंने बारीक चॉप किया है, ये ऐड कर देंगे। एक खीरा लिया है मैंने, इसको मैंने बारीक काटा है छिलके समेत, ये ऐड कर देंगे साथ ही। एक टमाटर लिया है मैंने, इसको मैंने चॉप कर लिया, ये भी साथ ऐड कर देंगे। एक शिमला मिर्च लिया है मैंने, इसको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया, ये भी साथ ऐड करेंगे। एक अदद मैंने छोटी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया, ये भी ऐड कर देंगे साथ ही। ये खीरे का अचार लिया मैंने, जो मार्केट से मिलता है सिरके वाला है, ये मैं साथ ही ऐड कर दूंगी। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया। ऑलिव लिए मैंने ब्लैक वाले 1 टेबलस्पून, ये भी साथ ऐड कर देंगे। एक सॉसेज लिया मैंने, इसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया है, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा मैं डाल दूंगी, आधा गार्निश के लिए रखेंगे। ये मैंने कॉर्न लिए 2 टेबलस्पून, ये मैंने टिन वाले लिए, ये साथ ऐड कर देंगे। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ये 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी मैं। ये 1 टेबलस्पून हो गया। अब मैं सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई। अब मैं इनके अंदर सॉसेज ऐड करूंगी। अब मैं सैलड को एक प्लेट में शिफ्ट करूंगी और इसके ऊपर सॉसेज ऐड करेंगे। सारा सैलड प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। जो मैंने सॉसेज बचा के रखे वो सैलड के ऊपर थोड़े थोड़े गार्निश के लिए डाल देंगे। इस तरह से ये सारे मैंने डाल दिए। अब मैं सैलड के ऊपर मेयोनीज डालूंगी 2 से 3 चम्मच, इस तरह डाल लेंगे। ये बारबेक्यू सॉस है मेरे पास, ये भी मैं 3 चम्मच डाल दूंगी, इस तरह से डाल लेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सैलड का। ये मेरे पास 1000 आइलैंड सॉस है, ये भी 2 चम्मच में डाल दूंगी। थोड़ी सी मैं चिपोटले सॉस ऐड कर दूंगी, ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है, ये इस तरह से डाल लेंगे। बहुत ही मजे का हमारा सैलड तैयार हो गया। आप इसको जरूर ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।